शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि हम सबको पता है कि आज 26वें ज्येष्ठ माह का रविवार, ज्येष्ठ रविवार इसलिए दिन महत्व है क्योंकि इस दिन पड़ी हुई है चतुर्थी तिथि। इस दिन पड़ रही है चतुर्थी, इनको बहुत खास और बहुत विशेष बनाती है। कुछ भी नहीं करना है यदि आप अपनी फैमिली में बहुत सारी खुशियां चाहते हो तो। अगर आप ये चाहते हो कि साल 2024 में जितने भी दिन बचे हैं हमारा परिवार बहुत अच्छे से जिए, बहुत अच्छे से रहे और बहुत खुश रहे, तो आज रात में एक चौथ दीपक आप सबको सभी को अपने घरों में जलाना है, जिससे आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे, उन्हें कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आए, है ना। तो पहले हम उपाय करने वाले हैं तो वह है पैसों की तंगी को दूर करेगा। जिनके घर में पैसों की तंगी है, धन संपदा की कमी है, लक्ष्मी रुकी नहीं रही है, वास घर में नहीं है, बहुत दिक्कत है, तो आपको करना है यह उपाय, ठीक है। जिनके यहाँ दिक्कत है ये सब, तो वो यह उपाय कर सकते हैं। आपके घर में महादेव का शिवलिंग हो या फिर आपके घर के आसपास शिवलिंग है हो, वहाँ पे आज शाम को आपको जाना होगा। महादेव के मंदिर में जा करके आपको शिवलिंग के पास आपको अगर जगह मिल जाए, या फिर महादेव के मंदिर में कहीं भी आपको आसपास जगह मिल जाए, वहां जाके आपको अपने घर से एक दिया लेके जाना है आपको, चाहे वह आटे का बना ले या फिर मिट्टी का हो, और फिर महादेव के पूरे प्रांगण में, यानी कि महादेव के पूरे जो दिया ले गए हैं घर से आप, वह दिया आपको शिवलिंग के पास या पूरे प्रांगण में कहीं भी वहां पे आपको एक दिया जलाना है, और वह दिया आपको जो है लंबी बाती का आपको रखना है और शुद्ध देसी घी का, और वह घी का दिया जलाते समय आपको एक यहाँ पे देवता का नाम लेना है, देवता का नाम लेना है आपको, और लंबी बाती का दीप बनाना है, लंबी बाती का दीप बनाना है शुद्ध देसी घी का। अब आप कहोगे दीदी आपने तो बताया था कि देवताओं के लिए हमेशा गोल बाती का दिया लगता है, तो फिर कुबेर महाराज के लिए भी, कुबेर देवता के लिए भी गोल बाती का दिया लगना चाहिए। ऐसे देवता हैं जो हमें उनके आगे लंबी बाती का प्रयोग घी का करना चाहिए, लंबी बाती का दिया लगाना चाहिए, जैसे हो गए हमारे कुल देवता, हमारे पितृ देवता, इन सभी के लिए हमें लंबी बाती का प्रयोग करना है, हमें लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना होता है। कुबेर देवता के नाम से आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है क्योंकि हमें अपने घर में बढ़ोतरी चाहिए, पैसों की, लक्ष्मी की बढ़ोतरी चाहिए, तो बढ़ोतरी के लिए, पैसों के लिए आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। तो बस आपको इतना काम हो गया, आपने लंबी बाती का घी दीपक प्रज्वलित करना है कुबेर देवता के नाम से शिवलिंग के पास या पूरे मंदिर में, शिवालय में कहीं भी। अब आपने दीपक कुबेर देवता के नाम से शिवलिंग के पास लगा दिया, और अब आप जो अपने घर से आपको लेके जाना था काला तिल, आप घर से अपने जो काला तिल लेके जाना, बस एक चुटकी काला तिल लेके जाना, और वहां आपने काला तिल उस दीपक में तुमरुका जी के नाम से डाल दिया। तुमरुका जी के नाम से आपको काला तिल डालना है। जब घी का दीपक आप जला देंगे उसके बाद तिल आपको डालना है। आज रात आपने यह दीपक अगर आपने प्रज्वलित कर लिया अपने घर के मंदिर में, अगर आपके घर के मंदिर में शिवलिंग है, नहीं तो आप घर के बाहर जो शिवालय है वहां पे जाके आपने यह घी का दीपक जला लिया, तिल डाल के तुमरुका जी का नाम लेके, तो आपके जीवन भर आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, जीवन भर कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। अब आप कहोगे कि भैया जो दीपक ये जो जलाया है तो क्या वह उसको उठाकर घर पे लेके आना जवाब है? नहीं, तो आपको यह दीपक जो है कहीं भी मंदिर में किसी स्थान पर जलाया है तो उसको संभाल के एक जगह पे रख के आइएगा, कहीं किसी का पैर ना पड़े, कहीं कहीं किसी का कुछ इसमें दिक्कत ना हो जाए। तो आपको यह दीपक शिवलिंग के पास या फिर मंदिर में कहीं किनारे साइड आप यह दीपक जला के अपने घर को आएंगे तो यकीन मानिए आपके घर में कभी जीवन भर धन संपदा की कमी हो ही नहीं सकती, लक्ष्मी हमेशा वास करेगी। पहले उपाय की बात हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे उपाय की ओर। ये दूसरा उपाय आपको चावल के साथ में करना है, इसके लिए करने हैं ये उपाय के बेनिफिट, ये उपाय करने से फायदे ये होंगे कि आपकी इच्छा पूर्ति के, बहुत उपाय कर लिए, बहुत मनोकामनाएं कर ली, कोई भी पूरी नहीं हुई, आपकी काम बढ़ ही नहीं रहा है, आप मनोकामनाएं आप कर चुके हैं और मेरी इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो यह उपाय ज्येष्ठ महीने का रविवार, बड़ा रविवार की में उपाय ये करना है आपको, तो आपको यह उपाय चावल से करना है और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। तो चलिए जानते हैं आपको यह उपाय करने है? के लिए सिर्फ चावल की जरूरत पड़ेगी। चावल के दाने आपको लेने हैं और कितने लेने हैं, सिर्फ दो चावल के दाने आपको लेने हैं यह उपाय करने के लिए। लेना है पीला चंदन, पीला चंदन जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जरूरी नहीं वही हो, आपके घर में आपके पास जो भी पीला चंदन हो वह ले लेना है। अब करना क्या, आपको एक कटोरी में आपको दो चुटकी पीले चंदन का आपको पेस्ट बना लेना है।
हल्का सा जल डाल के उसमें जो है आपको लेना है एक बेलपत्र, आपको बेलपत्र कटी फटी ना हो देख लीजिएगा, और उसमें ना तो कोई छिद्र हो ना ही वो दागी हो, तो बेलपत्र आपको एक लेनी है। जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है उसमें आपको पीले चंदन की बिंदी लगा देनी है बड़ी सी गोल गोल, और गाढ़ा जो पेस्ट बनाया पीले चंदन का उससे आपको पीले चंदन की बिंदी लगा देनी है। अब दो चावल के जो दाने, चावल के दाने जो आपने वहाँ बिंदी के ऊपर चिपका देने हैं, बाकी दो पत्तियां हैं तो उनमें अभी चली पत्ती पे चिपका देने हैं। जल कलश लेना है और पहुंच जाना है आपको शिवालय। शिवालय में आपको बेलपत्र ये लेके आपको जानी है, पीला चंदन और चावल दो चावल के दाने और एक कलश जल लेके आपको शिवालय पे जाना है। और ध्यान रहे बेलपत्ती की जो चिकनाला पार्ट हम लोग शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उस स्थान पे ही आपको चंदन लगाना है। यहाँ पे पत्ती आपको उल्टी दिख रही है तो ऊपर की तरफ यहाँ चंदन और चावल के दाने नहीं रख रहे हैं, जिस तरह से हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उस तरह चिकने वाले पार्ट में आपको सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाना है कि बेलपत्र, और पहुंच जाना है शिवालय जल का पार्ट जाना है, और शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव का मंत्र जाप करते हुए, अब तांबे के कलश में जल लेके जाना है आपको, और तब आपने शिवलिंग पर एक लोटा जल बेलपत्र करना है उसके बाद के लगा के और उसमें दो जाने जो अक्षत के लेके गए हैं वह बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चिपका देनी है। और अगर आपने इस तरह से चिपका दिया तो यकीन मानिएगा आपके जीवन में जो भी परेशानी जो भी मनोकामना है आपकी जो पुरानी से पुरानी चली आ रही है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। और यह उपाय आपके अगर घर में अगर शिवलिंग है तो आप अपने घर पे भी शिवलिंग पर आम के समय प्रदोष काल के समय आपको यह उपाय करना है। आप घर के शिवलिंग पे भी कर सकते हैं, अगर घर में शिवलिंग नहीं है विराजमान नहीं है तो आप घर के बाहर शिवालय में जाके यह उपाय शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको आप कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से मैंने समझाने के आसान और इससे सरल उपाय इच्छा पूर्ति का नहीं मिलेगा तो करिएगा जरूर, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो। यहाँ पे हमने बात कर ली है दो उपायों की और आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। तो यह उपाय बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही प्यारा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, सभी को करना है क्योंकि यह उपाय होगा नजर का, नजर से बचने के लिए। अगर किसी ने नजर लगा दी हो, किसी ने टोना टोटका कर दिया हो, किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया हो, किसी की बुरी नजर लग चुकी है, यही चाहते होना कि जिस इंसान ने आपके घर के ऊपर नजर लगाई है, आपके ऊपर नजर लगाई है, तो यही नजर पलट के उस इंसान के ऊपर इस उपाय को जरूर करिएगा। ऐसा नहीं है ये टोना है टोटका है, आपके घर पे टोना टोटका वगैरह कर देते हैं, नजर कर लगा देते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है, तो उसी तरह से आप यह उपाय करिएगा तो आपके घर से नजर दोष टोना टोटका जो भी वो सब। यह उपाय करने के लिए आपको शमी का पत्र लेना है, बहुत सारे नहीं लेने, आपको सिर्फ एक पत्ता लेना है शमी का लेना है, और एक चावल का दाना लेना है आपको, बहुत ज्यादा चावल नहीं लेना है, एक शमी का पत्ता लेना है और एक चावल का दाना लेना है, चावल का दाना खंडित ना हो टूटा ना हो पूरा साबुत दाना आपको लेना है, एक चावल का दाना और एक शमी पत्र अपने हाथ में दाहिने हाथ में ले लेना है, और अपने घर के पूरे रूम में आपको गोल गोल घूम लेना है, पूरे घूम में आपके रूम घर में जितने भी रूम हो 10 हो 5 हो 4 हो 1 हो और रसोई घर में आपको घूम लेना है, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ के पूरे घर में आपको घूम लेना है। उसके बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे आना है। अभी यह उपाय मैंने परसों के लिए बताया था लेकिन लोगों ने बहुत से कुछ गलतियां बाहर के मुख्य द्वार के बाहर आ जाना है और मुख्य द्वार की ओर मुख करके आपको खड़े हो जाना है, यानी कि जब दरवाजे से अंदर जाते हैं घर की ओर तब वैसे आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। अपने दाहिने हाथ की ओर आपके घर जो मिट्टी होती है होती तो है, मुख्य द्वार के बाहर जो रोड रोड होती है तो वहाँ पे जो है साइड में मिट्टी जरूर होती है, दाहिने हाथ तो दाहिने हाथ की ओर आपको एक गड्ढा खोदना है, उस गड्ढे में आपको एक शमी पत्र और एक चावल का दाना माता अशोक सुंदरी का नाम लेते हुए आपको उसमें दबा देना है। यहाँ पे ये गलती करी कि उन्होंने अशोक सुंदरी के स्थान नाम लेते हुए दबा तो दिया चावल का दाना शमी पत्र और बस उसके बाद उसमें जल चढ़ा दिया एक लोटा, तो ये ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। आपने अशोक सुंदरी का नाम लेते हुए चावल का दाना शमी पत्र दबा दिया और मिट्टी ऊपर से ढक दी, दबा दिया गड्ढा कर करके, उसके बाद आप अपने घर के अंदर आ गए, उसके बाद में आप आओ जाओ या गाड़ी चढ़ा दो या कार का पहिया चढ़ा दो या अपना पैर रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं करके है। हमने तो अपना उपाय कर दिया, कभी आपके घर में नजर नहीं लगेगी ना ही कोई ऊपरी
टोना टोटका आपके घर में असर करेगा। यहाँ पे हमने कर ली तीन उपायों की बात, अब चौथे उपाय की ओर चलते हैं। चौथा उपाय, आपको अपने परिवार की कोई भी परिवार की मनोकामना हो, किसी के परिवार आपके परिवार में किसी सदस्य की कोई भी मनोकामना है, तो वह मनोकामना पूरी करने के लिए आपको यह उपाय करना है। पीला कनेर का पुष्प आपको लेना है। अगर पीला कनेर का पुष्प नहीं मिलता है तो घर के आसपास कोई भी सफेद पुष्प कहीं लगा हो तो में जल भरना है और पीला एक कनेर का पुष्प लेना है और पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय में आपको महादेव जी के पास जाना है, आपको शिवलिंग के पास बैठना है। कई बार बता चुकी हूँ कि शिवलिंग पर महादेव जी का पूरा परिवार विराजमान है। अरे विराजमान होता है कि नहीं, मैंने आपको बताया है, गुरु जी ने बताया है, शिवलिंग पर ही महादेव जी का पूरा परिवार। अब आपको करना क्या है, जो जल आप लेके गए हैं और एक पीला कनेर का पुष्प लेके गए हैं, तो सबसे पहले आपको जल चढ़ाना गणेश जी के स्थान पे। ये तो सबको पता चल गया होगा, शिवलिंग के दाहिनी ओर गणेश जी का स्थान है, फिर वहां पे जल थोड़ा सा चढ़ाना है, फिर थोड़ा सा बाईं ओर शिवलिंग के आपको कार्तिकेय जी का स्थान है, वहां पे थोड़ा सा जल चढ़ाना है। बीच में जो मोटी सी लाइन जो सर्प की आकृति बनी होती है, तो ये तीसरा स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पे आपको तीसरी बार थोड़ा सा जल चढ़ाना। चौथा जल आपको चढ़ाना माता के जो हस्त कमल कटी भाग जिसमें शिवलिंग विराजमान है गोल गोल जो है, तो उसमें आपको चौथी बार जो जल थोड़ा सा चढ़ाना और पांचवी बार पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना है। वही प्रोसेस आपको कनेर के पुष्प के साथ करना है। पहले कनेर का पुष्प आपको छुआना है कार्तिकेय जी के स्थान पर, दूसरे स्थान पर कार्तिकेय जी के स्थान पर कनेर का पुष्प छुआना, स्पर्श कराना है, फिर तीसरा अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श कराना है। जिस स्थान पर आपने जल चढ़ाया उस स्थान पर आपको पीला कनेर या फिर सफेद पुष्प को आपको स्पर्श कराना है, बाद में आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना। अपनी मनोकामना को कहकर, अपने कष्ट को कहकर आप यह उपाय करिएगा। आप पुष्प चढ़ा दीजिएगा अपनी मनोकामना कहकर, जिस उपाय जिस मनोकामना को लेकर आप यह उपाय कर रहे हैं आपकी जरूर मनोकामना पूरी होगी। यह उपाय करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी, समस्त दुख तकलीफ कष्ट दूर होंगे। और यह उपाय आज के दिन आपको यह उपाय शाम के समय प्रदोष काल के समय करना है। सभी जानकारी मैंने दे दी है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करिएगा। और मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए उपाय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।